నిర్భూతకలి నాత్మని సాలోకానాం తరూకానాం యద్విద్యాదర్పణాయతి. ప్రభావనాయాం వజ్రకుమారో దృష్టాంతోస్య కథ. ప్రభావనా అంగ మే వజ్రకుమార్ ఏక్ దృష్టాంత హుయే హై. ఇన్కీ కథ ఇస్ ప్రకార్ హై. హస్తినాపురే బలరాజస్య పురోహితో గరుడస్. హస్తినాపుర్ మే బల్ నామ్ కా ఏక్ రాజా థా, ఉస్కే పురోహిత్ కా నామ్ గరుడ్ థా, ఉన్కా పుత్ర సోమదత్త సోమదత్త థా. తేన్ సకల శాస్త్రాణి పఠిత్వా అహిచ్ఛత్తపురే నిజ మాన్ సుభూతి పార్శ్వే గత్వా భణితం. ఉస్నే సబ్ శాస్త్రం కో పఢ్కర్ అహిచ్ఛత్తపుర్ మే అప్నే మామా సుభూతి కే పాస్ జాకర్ కహా, మామ్ దుర్ముఖ రాజస్య దర్శయేత్, ముజే దుర్ముఖ రాజా కే దర్శన్ కరావ్. నచ గర్వితేన తేన దర్శితః, పర్ వో ఘమండీ జో మామా థా ఉస్నే ఉన్కో దర్శన్ నహీ కరాయా. తతో గ్రహీలో భూత్వా సభాయాం స్వయమేవ తం దృష్ట్వా ఆశీర్వాదం దత్వా సర్వశాస్త్ర కుశలత్వం ప్రకాశ్య మంత్రిపదం లబ్ధవాన్. తో ఫిర్ వో పాగల్ హోకర్ ఉన్కీ సభా మే అప్నే ఆప్ చలా గయా ఔర్ వహాం రాజా కో దేఖ్ కర్ ఆశీర్వాద్ దే కర్ సబ్ శాస్త్రో కీ కుశలతా కో ప్రకట్ కియా ఔర్ మంత్రిపద కో ప్రాప్త కర్ లియా. తం తథాభూతం ఆలోక్య సుభూతి మామో యజ్ఞ దత్తాం పుత్రీ పరిణేతుం దత్తవాన్. అబ్ ముజే మామా థా ఉస్కో లగా కి భై యే భాంజా తో బహుత్ తేజ్ తర్రాట్ నిక్లా, యే తో రాజా కా మంత్రి బన్ గయా, ఔర్ అబ్ క్యా కరే. తో ఫిర్ ఉస్నే సోచ్ విచార్ కర్కే అప్నీ పుత్రీ వివాహ కే లియే ఉస్కో దే ది. यानी उसने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया. एकदा तस्या गर्भिण्या वर्षा काले आम्रफल भक्षणे दोहर को जाता है. तो एक बार जब वो गर्भवती थी तब उसको वर्षा ऋतु में आम खाने का दोहला हुआ. तथा सोमदत्ते ने तब उस सोमदत्त ने तान्योद्यान बने అన్వేషయతా యత్రామ్రవృక్షే సుమిత్రాచార్యో యోగం గృహీత్వాన్ తం నానాఫణై ఫలై ఫలితం దృష్ట్వా తస్మాత్ తాన్యాదాయ పురుషహస్తే ప్రేషితవాన్. తబ్ క్యా హువా కి సోమదత్త కో లగా కి అభి తో ఆమ్ కా మౌసమ్ నహీ హై, ఫిర్ భీ బగీచే మే గయా ఔర్ వహాన్ ఖోజ్ కర్ రహా థా కోయి మిల్ తో జాయే, ఏకాద ఆమ్ మిల్ జాయే తో కామ్ చల్ జాయేగా. तो जिस आम के पेड़ के नीचे सुमित्र नाम के आचार्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, वहाँ पर चौमासा कर रहे थे वो, तो उस वृक्ष को अनेक फलों से फला हुआ देखा उन्होंने. यानी वैसे तो आम के पेड़ों में कहीं फल नहीं थे, लेकिन सुमित्राचार्य जिस वृक्ष के नीचे चौमासा कर रहे थे उस वृक्ष पर आम के फल लगे हुए थे. तो फलितम दृष्टा उसको वैसा देखकर तस्मात् तान् न्यादाय उस पेड़ पर से उन फलों को ग्रहण करके पुरुष हस्ते प्रेषितवान किसी आदमी के हाथ से वहाँ भिजवा दिया. स्वयं च धर्म श्रुत्वा निर्वण्य तपो गृहीत्वा आगमम अधीत परिणतो भूत्वा नाभि गिरौ आतापने स्थितः. और स्वयं गुरु के मुख से उनको इतना प्रभाव पड़ा कि देखो ये जैन गुरु यहाँ बैठे हैं पेड़ के नीचे, उस पेड़ पर अभी चौमासे में आम के फल लगे हैं. तो उसने वहाँ पर उनके उपदेश को सुना और धर्मोपदेश सुन करके उसको निर्वेद हुआ, वैराग्य हुआ संसार शरीर भोगों के प्रति. तो दीक्षा ग्रहण करके आगम का अध्ययन किया और परिणतो भूत्वा बस वो आगम चक्षु होकर और आगम की क्रियाओं में तत्पर होकर
नाभि गिरौ आतापने न स्थित, नाभि गिरी पर ध्यान लगाते हुए रहने लगे, वहाँ ठहर गया, खड़े हो गए। यज्ञ दत्ता च पुत्रम प्रसूता नीतम श्रुत्वा बंधु समीपं गता। यज्ञ दत्ता ने पुत्र को जन्म दिया, और उसको ले करके उनकी जानकारी प्राप्त की और फिर बंधुओं के समीप चली गई। तस्य शुद्धिम ज्ञात्वा बंधुवे सह नाभिगिरिं गत्वा। फिर बंधुजनों ने विचार किया कि ये यहाँ क्यों आई है वापस घर पे, इसको तो अपने ससुराल में रहना था, यहाँ क्यों आ गई। फिर पता चला कि ये इसमें ये बिल्कुल पवित्र है, इसमें कोई ऐसा कोई लोकापवाद या कोई ऐसा दोष नहीं है। तो फिर बंधुवे सह नाभिगिरिं गत्वा तो अपने कुटुंबीजनों के साथ वहाँ गई नाभिगिरी। और तमातापनस्थमालोक्य अतिकोपात, अपने पति को दीक्षित होकर तपस्या में खड़ा हुआ देखकर अत्यंत क्रोधित हुई, और क्रोध के कारण तत्पादोपरि बालकं धृत्वा दुर्वचनानि दत्त्वा गृहं गता। उस बालक को जिसको उसने जन्म दिया था, अपने पति के चरणों में रखकर, जो मुनि बन चुके थे उनके चरणों में रखकर, और अपशब्द बोलकर वापस घर आ गई। अब वो मुनि महाराज, बच्चा पैर में पड़ा हुआ है, वो कागज सर में खड़े हुए चुपचाप खड़े रहे। वो अत्र प्रस्ताव है, अब इस प्रसंग पर, दिवाकर देवनामा विद्याधरो मरावती पुर्या पुरंदर नामना लघु भ्रात्रा राज्या निर्घाटित। अब दिवाकर देव नाम का जो विद्याधर था, उसने अमरावती पुरी से पुरंदर नाम से जो उसका छोटा भाई था, उसको राज्य से निर्घाटित कर दिया, मतलब वहाँ से अलग कर दिया, भगा दिया उसको। स कलत्रो मुनिम वंदयितुम, वंदयितुम आयात, तो वो अपनी पत्नी के साथ मुनि की वंदना करने के लिए इस प्रसंग पर आया। तम बालम गृहीत्वा निज भार्यायाः समर्प्य वज्र कुमार इति नाम कृत्वा गतः। तो उस बच्चे को वहाँ मुनि के चरणों में देखा, तो फिर उसने, उसको पता नहीं था कि मुनि की गृहस्थ अवस्था में जो पत्नी थी उससे उत्पन्न हुआ मुनि का ही पुत्र है पूर्व अवस्था का, उसको पता नहीं था। तो उसने वो बच्चा उठा करके अपनी पत्नी को समर्पित किया और उसका नाम वज्र कुमार करके वहाँ से चला गया। सच वज्र कुमार कनक नगरे विमल वाहन निज मैथुनिक समीपे सर्व विद्या पार्वो युवा चक्रमेण जाता जाता। वह कनक नगर में विमल वाहन जो अपने जोड़ीदार थे उनके पास सर्व विद्याओं में पारगामी होकर जवान हो गए क्रमशः। अथ गरुड़ वेगांगवत्योः पुत्री पवन वेगा हेमंत पर्वते प्रज्ञप्त विद्या विद्या महाश्रमेण साधयन्ति। अब गरुड़ वेग और अंगवती की एक बेटी थी, पुत्री थी, उसका नाम पवन वेगा था। वह हेमंत पर्वत के ऊपर प्रज्ञप्ति विद्या को बहुत परिश्रम से सिद्ध कर रही थी। तो पवनाकंपित बदरी वज्र कंटकेन लोचने विद्या। तो क्या हुआ कि वहाँ हवा तेज चली तो बेर का जो पेड़ होता है बदरी का, उसके कांटे वाली टहनी उसकी आंख में लग गई। तो ततस्तत पीड़या चलित चल चित्ताया चित्ताया विद्या न सिद्ध्यति। तो उसकी पीड़ा के कारण मन स्थिर नहीं हो रहा था, और मन स्थिर नहीं हो रहा था तो विद्या सिद्ध नहीं हो रही थी। ततो वज्र कुमारेण च ताम तथा दृष्ट्वा विज्ञानेन कंटकम् उद्धृतः। तो वज्र कुमार ने उसकी वो हालत देख करके उसका वो कांटा अलग कर दिया। तथा स्थिर चित्तायास्तस्या विद्या सिद्ध, तो उसका मन स्थिर हो गया और विद्या सिद्ध हो गई। उक्तं च तया उसने कहा, भवत् प्रसादेन एषा विद्या सिद्धा त्वमेव मे भर्तेत्युक्त्वा परिणीता। तो आपकी कृपा से ही मुझे विद्या सिद्ध हुई है, इसलिए आप ही मेरे स्वामी हो। इस प्रकार कहकर
फिर उनका विवाह होता है। वज्र कुमार ही उगता, पर वज्र कुमार विवाह की बात करती हूँ तो वज्र कुमार कहते हैं कि तात अहम कस्य पुत्र इति सत्यं कथे। एक मिनट, कुछ इसमें से बीच में छोटा हुआ लगा, दूसरे ग्रंथ से देखें। परिणीत, अच्छा वो कहती है कि आप ही मेरे स्वामी हो, आप मुझसे विवाह कीजिए। तो वज्र कुमार जो है वो विचार करता है, क्या कि विवाह के समय हमेशा ये विचार किया जाता था कि वो संबंध जो है उसमें तालमेल है कि नहीं है। कोई भी किसी से भी विवाह नहीं कर सकता था, ऐसा नियम था। और अभी भी अगर राजमार्ग से देखें तो फिर शास्त्रों के अनुसार हर किसी को हर किसी से विवाह करने का कोई मार्ग नहीं है। उसमें जातियों का जो विभाग आता है शास्त्रों में, वो जातियां निश्चित रूप से उसी जाति के अंदर परस्पर विवाह के प्रावधान को लेकर चलती हैं। तो वज्र कुमार ने जाकर अपने जिनने उनका लालन पालन किया था उनसे पूछा, अहं कस्य पुत्र इति सत्यं कथय, मैं किसका पुत्र हूँ सच सच बताइए। तो तस्मिन कथिते, तो वो बताते हैं कि तुम मुनि महाराज के चरणों में मिले हो और फिर ऐसा पता चला है कि तुम उन्हीं के पुत्र हो। तस्मिन कथिते में भोजनादो प्रवृत्ति रीति, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं आहार नहीं करूँगा, ऐसा उसने बोला। फिर ततस्तेन पूर्व वृत्तांतम सर्वम सत्यम एव कथितम, तो फिर वो जो जिनने इनका बड़ा किया था उनने उसका पूरा घटनाक्रम ज्यों का त्यों बता दिया। तम आकर्ण्य निज गुरु द्रष्टुम बंधुवे स मथुराया क्षत्रिय गुहायाम गजम, तो फिर अपने पिता के दर्शन के लिए जो मुनि महाराज थे उनके दर्शन के लिए वो अपने सब बंधुओं के साथ मथुरा की क्षत्रिय गुफा में गए जहाँ पर गुरु विराजमान थे। तत्र च सोमदत्त गुरुर दिवाकर देवेन वंदना कृत्वा वृत्तांतं कथितम्, फिर दिवाकर देव विद्याधर ने उनकी वंदना करके सारी घटना बताई। तो समस्त बंधुन महता कष्टेन विसृज वज्र कुमारों मुरे जाता। फिर वज्र कुमार को अपने पिता के दर्शन से ऐसा लगा कि मुझे इन्हीं के पास इन्हीं के मार्ग पर चलना होगा और उसी में मेरा भला है। तो उन्होंने फिर वापस घर जाने से मना कर दिया और वहीं दीक्षा ले ली और मुनि हो गए। अत्रांतरे मथुरायाम अन्या कथा, अब इसी बीच मथुरा में एक दूसरी घटना होती है। राजा पूतिगंधु राजनी उर्विला, एक राजा पूतिगंध वहाँ पर राज्य करता था मथुरा में और उनकी रानी का नाम उर्विला था। साच सम्यक दृष्टि अतीव जिन धर्म प्रभावनाया रता, वो सम्यक दृष्टि थी और जिन धर्म की प्रभावना में अत्यंत संलग्न थी, धर्म प्रभावना में लगी रहती थी। नंदीश्वराष्ट दिनानि प्रतिवर्षं जिनेन्द्र रथ यात्रा तीन बार कार्य थे, वो तीन बार नंदीश्वर पर्व आता है, तीनों बार वो जिनेन्द्र भगवान की रथ यात्रा निकालती थी। तत्रैव नगर्यां श्रेष्ठी सागर दत्त श्रेष्ठिनी समुद्र दत्ता पुत्री दरिद्रा, अब उसी नगर में एक सेठ सागर दत्त था, उसकी सेठानी समुद्र दत्ता थी और इन दोनों की पुत्री दरिद्रा थी। मृते सागर दत्ते दरिद्रा परगृहे निक्षिप्त सिक्थानि वक्षयन्ती चर्यां प्रविष्टेन मुनिद्वयेन दृष्टा, ततो लघुं मुनिनोक्तं हा वरा की महता कष्टेन जीवति।
क्या हुआ कि उस जो सेठ थे उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर वो जो बेटी थी ना वो दूसरों के घर में जो भोजन करने के बाद बचा रहता था और वो लोग बाहर कर देते थे उसको, तो उसको खा खा करके अपना पेट पाल रही थी, ऐसी गरीबी आ गई थी उसके जीवन में। तो दो मुनि महाराज आहार के लिए वहां आ रहे थे, तो उन्होंने उस बच्ची को देखा, तो छोटे मुनि बोले कि बेचारी बड़े कष्ट से जी रही है। तद आकर्ण्य ज्येष्ठ मुनि नोक्तम, तो वो छोटे मुनि की बात को सुनकर जो बड़े मुनि थे वो बोले, अत्रैवास्य राज्ञा पटराज्ञी वल्लभा भविष्यति। इसी मथुरा के राजा की ये पटरानी बनने वाली है। अभी तो वहां से अनाज, दूसरों का जूठा अनाज खा रही है, लेकिन ये पटरानी बनने वाली है और बहुत प्रिय होगी वो राजा को। तो भिक्षा भ्रमता धर्मश्री वंदकेन तद वचनम आकर्ण्य। तो भिक्षा के लिए भ्रमण करने वाले एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने जैन मुनि की बातचीत सुन ली और सुन करके नान्यथा मुनि भाषित में संचित विचार किया कि जैन मुनि की बात कभी गलत नहीं होती है। ऐसा विचार करके स्वविहारे तान नीत्वा उस बच्ची को अपने आश्रम में लेकर के आए और मृष्टाहारी पोषिता, एकदम बढ़िया से बाहर बढ़िया आहार करा करके श्रेष्ठ आहार के माध्यम से उसको बड़ा किया। एकदा यौवन भरी चैत्र मासे आंदोलयती ताम राजा दृष्ट्वा अतीव विरहावस्थां कदा। एक बार जब वो बड़ी हो गई और वहाँ पर आश्रम में झूला झूल रही थी, तो उसको झूला झूलते हुए राजा ने देख लिया, तो राजा का मन विचलित हो गया। तो मंत्रविस्ताम तदर्थम वंदको याचिता, तो फिर मंत्रियों ने उस बौद्ध भिक्षु से याचना की कि ये जो तुम्हारी बेटी है ये हमारे राजा को दे दो। तेन उक्तम, भिक्षु बोले, यदि मदीयम धर्म राजा गृह्णाति तदा ददामी थी। बोले कि मेरा धर्म अगर राजा स्वीकार कर ले तो मैं अपनी बेटी दे सकता हूँ। तत्सर्वं कृत्वा परिणीता, अब राजा मोहित था तो उसने सब करने को तैयार हो गया और फिर उसने विवाह किया। पट्ट महादेवी तस्य साति वल्लभा जाता, वो उसकी पट्ट महादेवी बन गई, अत्यंत प्रिय हो गई। अब क्या हुआ, फाल्गुन नंदीश्वर यात्रायाम उर्विला रथ यात्रा महारूपम दृष्ट्वा। अब हुआ ऐसा कि उसने विवाह के बाद पहली बार देखा कि राजा की एक रानी पहले से है और वो नंदीश्वर अष्टानिका में बहुत बड़ा उत्सव कर रही है। तया भणितम, तो उसने राजा से कहा, मदियो बुद्ध रथोधुना पुर्याम प्रथमं भ्रमत। बोले हमारे बुद्ध भगवान का रथ इससे पहले, इसके रथ से पहले हमारा रथ बुद्ध भगवान का निकालो, पूरे नगर में भ्रमण होगा हमारे बुद्ध भगवान का रथ। अब देखिए राज्ञा चोक्तमेव एवं भवतु इति, राजा बोला हाँ ऐसा होने तो क्या बात होगी। ततो उर्विला वदत् मदीयो रथो यदि प्रथमं भ्रमति तदाहारे मम प्रवृत्तिरन्यथा निवृत्तिरिति प्रतिज्ञां गृहीत्वा क्षत्रिय गुहायां सोमदत्ताचार्य पार्श्वे गता। अब क्या हुआ कि जब उर्विला रानी को पता चला कि वो रथ पहले निकालने का राजा ने स्वीकार कर लिया, तो फिर उसने कह दिया कि यदि मेरा रथ, मेरे भगवान जिनेन्द्र का रथ पहले निकलता है तो मैं आहार में प्रवृत्ति करूँगी, अन्यथा मेरा आहार का त्याग है। ऐसी प्रतिज्ञा करके वो क्षत्रिय गुफा में चली गई जहाँ सोमदत्त आचार्य विराजमान थे, उनके पास चली गई। तस्मिन प्रस्ताव है, उसी प्रसंग पर वज्र कुमार मुनेर
वंदना भक्त्यर्थम आया था दिवाकर देवालय, वहां पर वज्र कुमार मुनि महाराज भी विराजमान थे, तो उनकी वंदना भक्ति के लिए दिवाकर देवादि विद्याधर आए। तदीय वृत्तांतम चुश्रुत्वा, और ये सारी घटना उन्होंने सुनी, तो वज्र कुमार मुनि नाच ते भूता। वज्र कुमार मुनि ने सब बातें जान करके उनसे कहा, उन विद्याधरों से, उर्विलाया प्रतिज्ञा रूढ़ाया रथ यात्रा भवत भी कर्तव्य थी, आप लोगों को महारानी उर्विला जो भी संकल्प करके बैठी है कि जब तक जिनेंद्र भगवान का रथ पहले नहीं निकलेगा मैं भोजन नहीं करूंगी, अगर नहीं निकलेगा तो मैं भोजन नहीं करूंगी, तो फिर अब तुम लोगों को ये विषय संभालना है, आप सब विद्याधरों को इनकी यात्रा रथ यात्रा करानी है। ततस तैर बुद्धदासी रथम भंत्वा नाना विभूत्या उर्विलाया रथ यात्रा कारिता। तब उन विद्याधरों ने अपने विद्याओं से उर्विला के रथ में कुछ ऐसी गड़बड़ी उत्पन्न कर दी, तो फिर वो रथ उसके चक्के वक्के टूट गए और उर्विला के रथ में तो नहीं पर वो जो दूसरा रथ था ना उसमें उन्होंने कुछ वैसा कर दिया विद्याधरों ने, और उर्विला की रथ यात्रा जो है बढ़िया ढंग से संपन्न कराई। तब अतिशय दृष्टवा प्रतिबुद्धा, उस अतिशय को देख करके उस जो रानी थी राजा को जो प्रिय थी उसको इतनी अच्छी प्रभावना देखने के बाद उस रथ यात्रा को, अब उसका क्या, उसका रथ तो टूट गया था, तो वो ये रथ देख रही थी और इस रथ को देखते देखते उसके भाव बदल गए और उसको विवेक आ गया और वो जैन धर्म को स्वीकार कर लेती है। नाम उसका बुद्धदासी था, वो भिक्षु ने उनका नाम बुद्धदासी रख दिया था। अन्य जना जैन धर्म रता जाता है भी, और अन्य लोग भी रानी को जैन बनता हुआ देख करके बहुत सारे लोग और भी जैन बन जाते हैं। तो उस रथ यात्रा से देखो प्रभावना का क्या अर्थ होता है, प्रभावना का अर्थ हृदय परिवर्तन होता है। उनका हृदय बदल गया और फिर वो जैन धर्म में रथ हो गई। इस तरह वज्र कुमार मुनि की ये कथा थी और ये आठ अंगों की आठ कथाएं अभी अपन ने सुनी है। इन आठ अंगों को मनोहर वर्णी ने अपने शरीर के आठ अंगों के साथ जोड़ करके और अपने शरीर के आठ अंगों में जो प्रवृत्ति होती है उसके साथ तालमेल बैठाल कर उन आठ अंगों को व्यवस्थित कर किया और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया। उनका कहना है कि सबसे पहला अंग कौन सा है, निःशंकित। तो अपने शरीर में जो आठ अंग हैं उसमें से सम्यक दर्शन का जो निःशंकित अंग है उससे तालमेल रखने वाला कौन सा अंग हो सकता है, तो बोले दाहिना पैर। वो इसलिए कि जब भी कोई चलता है कहीं से भी गुजरता है तो सबसे पहले अपना दाहिना पैर रखता है और दाहिना पैर वही रखता है जहां उसको पूरा विश्वास हो, जहां शंका न हो। कोई भी अपना पैर उस स्थान पर नहीं रखता जहां हड्डी टूटने का खतरा हो, जहां गिर जाने का की संभावना हो वहां कोई पैर रखता क्या, पक्का मालूम हो कि ये जगह सही है वहीं पैर रखता है। तो निःशंकित अंग का प्रतीक दाहिना पैर। फिर निकांक्षित अंग का अर्थ क्या है कि श्रद्धा में कोई कामना नहीं होती, तो ये जो निःशंकित अंग वाला जो पैर है वो आगे बढ़ गया तो बायां पैर चुपचाप उसके पीछे होता है, निकांक्षित अंग हो गया। फिर निर्विचिकित्सा अंग जो है, ग्लानी नहीं करना होती, साधु की सेवा करते समय अपने अंदर ऐसे मलिन भाव नहीं लानी होते, तो उसके लिए ग्लानी न करने वाला अपने शरीर का कौन सा अंग है, तो वो कहते हैं बायां हाथ है। तो बायां हाथ जो होता है वो ग्लानी रहित होकर के अपना कार्य करता है
फिर अमूढ़ दृष्टि अंग, अमूढ़ दृष्टि का अर्थ क्या, रेवती रानी ने क्या कहा था सबसे पहले कहा, आत्मनि मोक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते च भरत राजस्य ब्रह्मेति गीह प्रसिद्धा न चापरो विद्यते ब्रह्म। बोले कि ब्रह्म आत्मा को कहते हैं, ब्रह्म मोक्ष को भी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान को भी कहते हैं, ब्रह्म चारित्र को भी कहते हैं, और ब्रह्म पुल्लिंग में ब्रह्मा आदिनाथ भगवान को कहते हैं, भरतराज के पिता को। तो ये छठा ब्रह्मा कौन आ गया? ब्रह्मा वही थे और वो मोक्ष जा चुके हैं, ये ब्रह्मा हो नहीं सकते। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, तो विष्णु का रूप बनाया। तो बोले कि विष्णु तो श्री कृष्ण थे, उनके बाद कौन विष्णु आ गए? तो फिर उन्होंने बोला कि नौ ही नारायण होते हैं, दसवा नहीं हो सकता। फिर रुद्र महादेव, ग्यारह रुद्र होते हैं, बारह रुद्र नहीं हो सकते, ग्यारह ही होते हैं। फिर तीर्थंकर, तीर्थंकर का रूप बनाया चंद्रप्रभु शिल्लक जी ने परीक्षा लेने के लिए। बोले चौबीस ही तीर्थंकर होते हैं, पच्चीसवा कौन आ गए? तो ये जो है ये दाहिना हाथ है, ऐसे बलपूर्वक कहता है कि नहीं ऐसा ही है। वो स्थिति थी रेवती रानी की, ये अमूढ़ दृष्टि है, दाहिना हाथ। अब दोनों हाथ और दोनों पैर तो हो गए शुरू के चार अंगों के प्रतीक। अब उपगुहन अंग जो पांचवा अंग है उसका प्रतीक क्या हो सकता है? तो उसका प्रतीक जिस अंग को अपन ढांकते हैं, नितंब कहते हैं जिसको, उसको ढांक करके रखा जाता है, जिस पर अपन बैठते हैं वो अंग नितंब कहलाता है। तो वो उपगुहन अंग का प्रतीक बन गया। और स्थितिकरण अंग, कोई गिर रहा है उसको उठाना है, उठाने में ताकत चाहिए। जब वजन लेकर के कोई जाता है सिर के ऊपर और सिर से काम नहीं बनता तो कंधे पर ले लेता है, और उसके बाद कंधे से काम नहीं बनता तो पीठ पर लेता है। तो ये पीठ जो है छठा अंग है, स्थितिकरण का प्रतीक है। बोरी उठाते हैं तो कैसे उठाते हैं? पीठ पे ही उठाते हैं ना। फिर सातवां अंग कौन सा है? वात्सल्य। तो वात्सल्य का प्रतीक अपना वक्षस्थल है, जैसे भरत और राम इन दोनों में वात्सल्य था, तो दोनों ऐसे गले मिलते हैं तो हृदय से हृदय मिल जाते हैं। राम और हनुमान भी हृदय से हृदय मिला करके गल मिलते थे। तो ये वात्सल्य अंग का प्रतीक अपना वक्षस्थल है। फिर प्रभावना अंग का प्रतीक क्या है? तो ये शीर्ष है, अपना जो पूरा सिर है इसमें अपने मुखड़े से प्रभावना होती है। अगर मुखड़ा मलिन हो, क्रूर हो, विकराल हो, विकृत हो, आंखें डरावनी हो, तो फिर धर्म की प्रभावना मुश्किल है। माने लोग सोचेंगे कि ये धर्मात्मा है या फिर पता नहीं कौन है, वो देख के ही डर लगता है। तो सौम्य मुखी होना आवश्यक है। प्रवचन सार में आदि पुराण में लिखा है कि जिसको आचार्य दीक्षा देते हैं उसका मुखड़ा शांत होना आवश्यक है। अगर मुखड़े पर शांति ना हो तो फिर डरावने मुखड़े से तो बच्चे उनके पास जाएंगे नहीं, वो रोने लग जाएंगे, घबरा जाएंगे उनसे। और बड़े लोग भी सोचेंगे कि जाए कि ना जाए। तो मुखड़े को प्रभावना का प्रतीक माना। ये एक
चिंतन है, ऐसा कहीं लिखा नहीं शास्त्रों में, लेकिन एक तरीका है। 16 चीजें याद करनी हो तो कैसे करोगे? तो 8 अंगों के भी नाम याद रख लो सम्यक दर्शन के, और 8 अंग शरीर के भी याद हो जाएंगे इसमें। पहला कौन सा था? दाहिना पैर था, है ना, राइट लेग। और दूसरा बायां पैर था, कांक्षा नहीं करता, चुपचाप चलता पीछे। और तीसरा निर्विचिकित्सा, बायां हाथ। चौथा अमूढ़ दृष्टि। कई बार भाषण प्रतियोगिता में ऐसे बोलते हैं ना विद्यार्थी लोग जोर से, और कई बार नेता लोग भी बोलते हैं। फिर उपगुण अंग का प्रतीक नितंब, स्थितिकरण का प्रतीक अपना पृष्ठ पीठ, वात्सल्य का अपना वक्षस्थल, और प्रभावना का प्रतीक अपना सिर मुखड़ा है। नांगहीन मलं चेतुं दर्शनं जन्म संततिं नहि मंत्रो क्षरण्यूनो निहन्ति विषवेदनाम। आचार्य कहते हैं कि इतने 8 अंग बताए आपने, कभी अंग में कमी हो तो आचार्य कहते हैं कि 8 में से अगर एक भी अंग कम होगा तो फिर वो श्रद्धान संसार भ्रमण का नाश नहीं करेगा। और दृष्टांत इतना सुंदर दिया कि विश्ववेदना, सांप ने काट लिया उसके विष की वेदना हो रही है, 7 वेग होते हैं सांप के काटने पर, तो उन 7 वेगों को प्राप्त हो गया है कोई, तो बड़ी छटपटाहट है, बड़ी तकलीफ हो रही है, गला सूख रहा है, खून जमने की स्थिति में आ गया है, अब क्या करें? तो आचार्य कहते हैं कि मंत्र से सर्प का विष उतर जाता है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि अक्षरण न्यूनो मंत्रो नहीं निहंत विषवेदना। अगर मंत्र में से कोई अक्षर कम कर दिया तो फिर विष की वेदना दूर नहीं होगी, तो मंत्र ज्यों का त्यों होगा तब वो काम करेगा, अगर अक्षर घटा लिए तो काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन जो है वो अष्टांग सम्यक दर्शन होगा तो संसार की पीड़ा को शांत कर देगा, और अगर वो स्थिति नहीं है, 8 अंग नहीं है, तो काम नहीं चलेगा। इसके बाद 3 मूर्ताओं का विवरण आगामी काव्यों में आचार्य समन्तभद्र स्वामी करेंगे। जय नम जय तुषास।